बायोलॉजी वाली कहानी सुनाता हूं। आज की कहानी है हनी बी की। इस कहानी में जगह जगह पर पॉइंट हैं जो कि आपको दिमाग में रखने। हनी बी सोशल इंसेक्ट, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी एनिमल के द्वारा उल्टी की गई हो या वॉमिट किया गया हो, उसे आप चाट लें? आप कहेंगे छी छी, बहुत गंदी चीज, फाई फाई है। ऑन एनिमल्स की वॉमिट हम कैसे चाटे? हाँ हाँ, चाट सकते हैं, नो इश्यू। आप सबने चाटा है शहद। शहद क्या होता है? शहद वो वॉमिट करती है। हनी भी फूलों का जूस लाके अपने छत्ते में पलट देती है, उल्टी कर देती है, उसी को शहद कहते हैं। इसे आप खाते हैं, बड़ा न्यूट्रिशियस होता है भाई शहद। 5 मिनट की एक कहानी। हनी भी का जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक रानी होती है, उसमें कई राजकुमार होते हैं, उसमें एक नर्स भी होती है और काम करने वाले वर्कर्स हजारों की संख्या में वर्कर्स। एक दिन रानी मक्खी अचानक बहुत तेजी से अपने बीहाइव में घुसी, छत्ते में, और सीधे अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में जाके सो गए। सारे डॉक्टरों में कंफ्यूजन हो गया उनके में। नर्स उसके पास आई, रानी जी क्या हुआ? उसने चेक किया, हनी भी प्रेग्नेंट थी। राजकुमारी रानी प्रेग्नेंट है, ओके। सही समय पर रानी ने जगह जगह पर अपने उस मधुमक्खी के छत्ते में ढेर सारे हजारों जगह जगह पर अंडे दिए गए। सारा छत्ता अंडों से भर गया। दिन बीतने लगे, रानी बूढ़ी होने लगी, बड़ी होने लगी, बच्चे बड़े होने लगे, रानी मैच्योर हो गई। अब नई रानी चुनने का समय आया। एक ही रानी होती है, अगर आपने उस रानी को पकड़ लिया तो एक भी मधुमक्खी आपको काटेगी नहीं, वो आपसे रिक्वेस्ट करती रहेंगी, भाई साहब हमारी रानी को छोड़ दो। अगर आपने रानी को हाथ में ऐसे पकड़ लिया, वो हजारों लाखों की संख्या में मक्खी पूरे हाथ पे कवर अप हो जाएंगी, लेकिन आपको काटेंगी नहीं जब तक कि आप रानी को नहीं छोड़ो। बड़ी एकता है। तो रानी को अपनी सिलेक्टेड बेटियों में से नई रानी चुनना है। वो अपने बेटों में से किसी को राजा नहीं बनाती, आखिर महिला प्रधान रहना चाहती है, वुमेन्स एम्पावरमेंट। महिलाएं बहुत शक्तिशाली होती है। रानी ने अपने महल में, अपने रूम के चारों ओर सिलेक्टेड एरिया में कुछ अपनी बेटियां के रूम बनवा रखे हैं, सारियों के नहीं, जिनमें से वो सिलेक्ट करेगी कि रानी कौन बनेगी। रानी नर्स को बुलाती है। नर्स के पास एक राज है। नर्स बूढ़ी हो चुकी है। रानी कहती है, नर्स परसों को, यानी एक दिन बाद हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से रानी कौन बनेगी, और वो एक दिन का उसे समय देती है। आखिर वो मधुमक्खियों की रानी एकदम से अपने अपने छत्ते में जाके क्यों घुसी? आखिर वो वहां पर जाकर रूम में बंद हो गई, क्या राज छुपा रही थी? वो राज था, उसने अपने पति का मर्डर किया था और वो किसी को नहीं बता रही थी। ये सत्य कथा है, ठीक है, कहानी मत समझ लेना। वो मर्डर करके आई थी अपने पति का, और अंदर जाके अपने महल में वो चुपचाप लेट। क्यों किया उसने उसका मर्डर?
और किसी को भी नहीं बता रही है, जबकि वो प्रेग्नेंट है, बच्चे दे दिए उसने, वो दिन आ गया। अगले दिन वो सारी तैयारी होनी, और ढेर सारे अंडे भरे हुए हैं। रानी अपनी नर्स से कहती है कि भाई जरा ढेर सारा शहद मंगवाओ, लेके आए ये वर्कर्स, और इन बच्चों को खिलाएं जितने हजारों इसमें बच्चे हैं। लेकिन रूम से बाहर नहीं आ रही। उनको ऑर्डर दे दिया जाता है, पूरी सेना निकल पड़ती है शहद इकट्ठा करने के लिए। आसपास जितनी भी दूरी पे फूल है वहां बैठ जाती है। पता है मधुमक्खियों को कैसे पता लगता है कितनी दूरी पर है फ्लावर, जहां से फूल लेना है? लाल फूल पे तो बैठेगी नहीं, पीले फूलों से लेगी। पहले उनकी चार पांच जासूस आगे जाती सैनिक, वो दूर पहुंच के देखती है, अच्छा वहां पर शहद है। वो वहां पे एट के स्ट्रक्चर में डांस करने लगते हैं, इंग्लिश का जैसा एट होता है, उस एट में एक सिंबल है, एक साइन है जो छिपा हुआ है, जो पूरी की पूरी टीम को, पूरी की पूरी सेना जो महज लेने गई है, वर्कर की टीम शहद, उन्हें बता रही है कि इतनी दूर है। और वो तेजी से वहां चल पड़ती, ढेर सारा शहद लेती है, खा रही होती है, इकट्ठा कर रही होती है। उसी समय उनकी सेनापति कहती है, सैनिकों पहले अपना पेट भर लो, अगर आप इस शहद को यहां से लेके जाओगे और सोचोगे घर पे खा लेंगे तो नहीं मिलेगा, रानी आपके हलक में उंगली डाल के निकलवा लेगी सारा। उसे उल्टी करवा देती है नमक, उलट दे। सारे सैनिक पहले जी भर के अपना पेट भरते हैं उस नेक्टार से, उस फ्लावर के जूस से, उन पॉलन से, उसके बाद में अपने अंदर उसे इकट्ठा करते हैं और लेके चल देते, सारा छत्ता भर दिया। अब छत्ते में बहुत शहद है, इंसान तलाश में ढूंढ रहा है कोई तोड़ लाऊं, लेकिन मैं उसकी कहानी अलग, मैं तो यहां बता रहा हूं। अगले दिन नई रानी की घोषणा होनी है, वो क्वीन नर्स को बुलाती है, रात का समय है, नर्स जाओ और इस जिस बेटी को, राजकुमारी को रानी बनाना है, उसको रॉयल जेली फीड कराने। उस रॉयल जेली का फॉर्मूला आधा नर्स जानती है और आधी रानी जानती है। वो रानी उसको फॉर्मूला बताती है कि देख भाई, वो बरगद के पेड़ पे जाना, वहां पे फ्लावर से जूस लाना। उधर आधा फार्मूला नर्स को मालूम है, पीपल के पेड़ के जो फ्लावर्स हैं वहां से जूस लेना है, वो मिक्सअप करना है, क्वांटिटी कितनी मिक्स करनी है ये भी पता है। नर्स जो अब बूढ़ी हो चुकी है, रात को जब और बाकी लोग नहीं देख रहे मधुमक्खी के छत्ते के, नहीं तो उन्हें पता लग जाएगा कि रॉयल जेली कहां से बनती है, वो बाहर निकल जाती है और वो स्पेशल नेक्टार लेके आती है, सीधी रानी के रूम में पहुंचती है। रानी जी हम ये बोले आए, अभी बाहर नहीं निकालना है मुंह में से, तीसरा फार्मूला यही है। उस हनी बी की हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, उसके पास से एक सिक्रीशन होता है और वो सिक्रीशन उसमें मिल जाता है। अब जो बाहर निकालेगी, जो वॉमिट करेगी, वो जो शहद नहीं होगा, वो रॉयल जेली होगा। शहद गोल्डन या ब्राउन कलर का होता है, रॉयल जेली व्हाइट कलर की होती है, और वो जेली उसने तैयार कर, वो 3 दिन के लिए ये जेली सभी के लिए अलाउड, जितने भी मधुमक्खी के छत्ते में बच्चे। All can feed this jelly only for 3 days. But after that, only for the particular bee that will be queen of the beehive.
3 दिन का सबको, कि इनमें कौन इसको झेल पा रहा है। हर किसी के बस की नहीं है राजसी खाना खाना। 3 दिन बीत गए, अब सिर्फ वो जेली उसे दी जाती है जिस बेटी को उसे रानी बनाता है। रानी उसको ले रही है, नई बेटी, वो रानी बननी है। उसमें अचानक शक्ति का संचार होता है, उसमें पावर आ जाता है, रानी में पावर। नर्स वहां से अपने कमरे में जाती है, अपनी बेटी को वो फार्मूला बताती है और नर्स मर जाती है। अब उस बेटी के पास वो फार्मूला रहेगा? नई रानी तैयार हो चुकी है, बड़ी रानी, वो जो मरने वाली है। वो अपनी बेटी रानी को बुलाती है कि बेटा, आज तक मैंने एक राज छुपाए रखा जो मैं तुझे बता रही हूं, और उसके कान में खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर वो बात बता देती है, जिसमें एक बात ये थी कि तेरे पिता की हत्या मैंने की है। वो बेटी पूछती है क्यों की है, उसको भी वो उसको बता देती है कान और मर जाती है। आखिर वो हत्या क्यों की? ये मधुमक्खियां जिन्हें हम जनरली समझते हैं इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसे क्राइम भी करती है, ऐसे पर्टिकुलर तरीके से शहद बनाती है, रॉयल जेली बनाती है, कमाल है। यस, और लेके और साथ में वो ये बता के जाती है कि अब तुम बड़ी होने वाली हो और एक स्वयंवर की घोषणा करो, जिसमें आसपास के पेड़ पौधों के पर जहां पे बी हाइव्स हैं वहां के राजकुमारों को आमंत्रित करो और रॉयल फ्लाइट का इंतजाम करो। एक उड़ान भरी जाए उसमें, राजसी उड़ान, जिसमें जो राजकुमार जीते वही तुम्हारा पति हो। ये कह के वो खत्म हुई थी। 2 दिन बाद सारे जगह पे ये घोषणा कर दी जाती है, क्या राजकुमारी का स्वयंवर है, सभी आ जाएं आसपास के पेड़ पौधों के। ठीक है साहब, सही समय पर आसपास के राजकुमार वहां आ जाते हैं और स्वयंवर की तैयारियां हुई पड़ी हैं। राजकुमारी आके अपने महल के बाहर बैठ जाती है, घोषणा की जाती है अब रॉयल फ्लाइट होगी, राजसी उड़ान होगी। आपको बार बार ये लग रहा होगा कि इतने दिन की ये घटनाएं चल रही हैं, तो आखिर कितने दिन जिंदा रहती होंगी ये जो रानी है? ये 1 से 2 साल तक जिंदा रहती है। ये जो काम करने वाली मधुमक्खियां हैं, ये 15 से लेकर 38 डेज तक जिंदा रहती है, और गर्मियों में और सर्दियों के हिसाब से अलग अलग तरीके से रहते। अगर सर्दियां चल रही हैं तो 150 से 200 दिन तक, अगर ऐसे एरिया में है, ठीक है, तो लगभग 6 महीना मान लिया है, 150 से 200 दिन कह दिया, ठीक है। तो स्वयंवर हो रहा है, 20 राजकुमार आए हुए हैं, रानी जो है राजकुमारी वो उड़ना शुरू करती है कि ठहरो, आप लोगों की उड़ान नहीं देखनी, जो मुझे हराएगा वही मुझसे शादी कर सकता है, ये उसकी घोषणा होती है। और वो हनी भी उड़ने लगती है, हनी भी ऊपर उड़ रही है, उसके पीछे पीछे राजकुमार उड़ रहे हैं। थोड़ी दूरी पे जाके हनी भी नीचे की ओर उड़ते, 10 गिर के मर चुके हैं, अभी 10 बचे हैं। हनी भी और ऊपर उड़ती है, फिर देखती है 5 और गिर के मर चुके हैं, अभी 5 बचे हैं। हनी भी सोचती है शादी होगी या नहीं, 15 तो मर गए, अभी तक मेरे पास तक नहीं पहुंच पा रहा कोई। वो और ऊपर उड़ती है, करूंगी शादी तो सबसे ताकतवर से ही, आखिर स्वयंवर है, वुमेन एम्पावरमेंट है, महिलाओं को चुनने का अधिकार है। आजकल तो लड़के चुनते हैं, ओ भाई वो पसंद है वो पसंद नहीं है, देखा मधुमक्खियों तक में ये महिलाओं को अधिकार दिए गए, लेकिन ताकत होनी चाहिए ना। मधुमक्खी और ऊपर उड़ती है, पीछे देखती है 2 बच्चे हैं। मधुमक्खी चिंतित हो जाती है कि अगर ये दोनों भी मर गए तो ब्याह किनसे करें। और थोड़ा ऊपर एक और मर गया, लास्ट बचा,
अगर वो लौट आती है तो स्वयंवर खत्म हो जाएगा। वहीं पे उसे वो बात याद आती है जो उसकी मां उसके कान में कह के गई थी। वो थोड़ा नीचे होती है, यहां पर राजकुमार है, वो ऊपर से यहां से कहती है, देखो राजकुमार, आप मेरे बराबर तो नहीं आ पाए, लेकिन मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। और वो थोड़ा नीचे आती है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। अब दोनों आमने सामने, रिप्रोडक्शन यही होगा, मैरिज यही होगी हवा में, और वो वहां पे शादी कर लेते हैं। हवा में रिप्रोडक्शन भी करते हैं। मधुमक्खी को मालूम है कि ये इंसान कमजोर है, ये मुझे नहीं हरा पाया, ये महाराज क्या बनेगा। तब उसे वो फाइनल बात याद आती है जो उसकी मां ने कहा था, देख बेटा ऐसे ही करके मेरा स्वयंवर हुआ था और तेरा बाप भी मेरे से नहीं जीत पाया था, ताकि समाज में ऐसा ना हो जाए कि एक कमजोर राजा है, उसे वहीं पर खत्म कर दिया हवा में, और वो रानी उस राजा को मार देती है। मारने के बाद वो सीधी अपने रूम में आती है वहां से, और जाके फिर वो उसके अंदर बैठ जाती है। फिर वही घटनाएं घटती है, अंडे दिए जाते हैं, जेलीज बनती हैं, नर्स लेके आती है, स्पेशल फार्मूला लगाती है, और समय ये चलता रहता है। ये हनीबी की सत्य कथा, हनीबी में ऐसा होता है। इसमें कई फैक्ट्स आपको मिले, बायोलॉजी की कहानी है। नाना नानी, दादा दादी, फूफा ताई फूफी, इनकी कहानियों के अलावा बायो की कहानी सुनो, जीवन से भी जुड़ी हुई है। हाँ, उनकी भी सुनो, वो भी समाज से जुड़ी हुई है।